अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और इस पर सुबह से जो बहस चल रही है, पक्ष ने विपक्ष ने सभी लोगों ने अपने विचार रखे। मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाह रहा हूं, झुंझुनू जिला राजस्थान के महिला शिक्षा में सबसे नंबर वन पर है, और वहां पर इस तरह की जो घटनाएं हैं उनके रिजल्ट सबसे ज्यादा पूरे राजस्थान में। आप जानकारी करेंगे तो ये लव मैरिज की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो शादियां हैं, ये सबसे ज्यादा झुंझुनू जिले में। और इसका रिजल्ट ये है, यदि किसी लड़के की शादी नहीं होती है और उसकी उम्र निकल गई तो डीजे के ऊपर जाके डीजे बजाने लग जाता है, 10 और महीने 2 महीने में उसके साथ कोई लड़की चली जाती उसके। और जो बसों के अंदर कंडक्टर चलते हैं, खलासी हैं, ट्रकों के ऊपर डंपरों पर जो चलते हैं वो लड़कियां ले जाते हैं। और आपको आपको आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बिल पर बोले हैं प्लीज। मैं बिल पर बोल रहा हूँ, मैं लव मैरिज के बिल पर बोल रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहता हूँ, थोड़े पिछली सरकार के अंदर जो एक कानून बनाया था कि एक दलित की बच्ची यदि किसी जनरल से या गैर दलित से शादी कर लेगी तो उसको 5 लाख रुपए, या गैर दलित वो दलित में शादी कर लेगा तो उसको 5 लाख रुपए। और मेरे जिले के अंदर दलितों की लड़कियों से 5-5 लाख रुपए ले जाके शादी करने वालों लोगों ने कम से कम 350 बच्चे ले गए, और उनको उधर से एक भी बच्ची वापिस भी नहीं आई, और बच्चियां सारी दलितों की जा रही है। और एक बड़ी सामाजिक दिक्कत हो गई इसके अंदर, जो दलितों के बच्चे वो कुंवारे फिरेंगे, और वो ये इतनी बड़ी दिक्कत आ गई इसके अंदर, जो शेखावाटी के अंदर जो स्थिति बन रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, पहले जो शादी होती थी या जो अरेंज मैरिज से जो शादी होती है उसमें बड़ बतई, बतई, बड़ी जुमारी, छोटी जुमारी, बरात, इसमें जो यदि बच्चा और बच्ची के बीच में कोई अनबन भी हो जाए और बच्ची के साथ अन्याय हो तो जो सारे के सारे लोग जुमारी लेने वाले सही बात के लिए बच्ची के साथ खड़े हो जाते थे, और उस बच्ची को हर तरह से सपोर्ट मिलता था। अब इस मामले के अंदर अब जो स्थितियां बन रही है, लड़के लड़कियों को ले गए और वापस जो लड़के आ रही हैं, जो छोड़ छोड़ के जो बच्चे हो गए, उनकी इतनी बड़ी तादाद हो रही है कि उनके लिए हमारे जिले में मेरे गुड्डा में तो कोई ना कोई और व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इनको अध्यक्ष महोदय, हकीकत में इतनी बड़ी, कई लोगों ने कहा कि ये उम्र 18 साल से 25 साल करनी चाहिए या इसको और बढ़ाना चाहिए, और लोग करते हैं उनके रिजल्ट ज्यादा बढ़िया है। और जो समझदार कोई बच्चा यदि डॉक्टर बन गया, बच्ची भी, और इसमें मेरा तो आपसे निवेदन है कि ये जो जिस तरह की सबसे ज्यादा जो घटनाएं हो रही है, लड़के महीने में 100 रुपए नहीं कमाते, वो 3-3 शादियां कर लिया अध्यक्ष महोदय उन्होंने, और तो इसके बारे में मैं विचार करना चाहिए, आपने समझ दिया उसके लिए। जगदीश चंद्र।